तड़के सुबह सुबह नेशनल डिफेंस एकेडमी के कैंपस में जैसे जान आ जाती है। कदम से कदम मिलाकर दौड़ते हुए कैडेट्स अपनी ड्रिल कमांड्स दोहराते हुए क्वार्टर डेक की तरफ बढ़ते हैं। उनकी आवाज कैंपस के शांत माहौल में चारों तरफ गूंज उठती है। ड्रिल ग्राउंड, सुबह 6:15। कैडेट्स कड़ी मेहनत वाले एक और ट्रेनिंग सेशन के लिए परेड ग्राउंड में इकट्ठा हो चुके हैं। ये शरीर को थका देने वाला बेहद कड़ा अभ्यास करते हैं और इस काम को कराने का जिम्मा होता है कुछ खास इंस्ट्रक्टर्स का, जिन्हें ड्रिल उस्ताद कहा जाता है। ये ड्रिल उस्ताद नॉन कमीशन्ड अफसर होते हैं और इनके ऊपर इन अंडर ग्रेजुएट लड़कों को बेहतरीन फौजी अफसर बनाने की जिम्मेदारी होती है। हर आदेश को किसी भी हाल में पूरा करने के जज्बे को इन कैडेट्स में कूट कूट कर भरा जाता है। घोड़े पर बैठा एक अफसर परेड ग्राउंड के हर हिस्से पर बड़ी बारीकी से नजर रखता है। एकेडमी कैडेट कैप्टन जेएस सुमन को खास ट्रेनिंग मिलती है। वो आखिरी टर्म पास करने के मौके पर होने वाली पासिंग आउट सेरेमनी में परेड की अगुवाई करने वाले हैं। ड्रिल किसी भी काम है, जो भी काम आप कर रहे हैं उसको तरतीबवार करना ही एक ड्रिल होता है। कैडेट या वो सैनिक कैसा यूनिफॉर्म पहन रहा है, उसके बाद उनको बातचीत करने का तरीका, मार्चिंग का तरीका ही बताना उनके लिए ड्रिल है। उस्तादों का काम है उनका जो टर्नआउट को ठीक करना, कहीं कोई बटन इधर उधर तो नहीं है, कोई मार्किंग इधर तो नहीं है। सारा चीज का जो रोल है वो ड्रिल उस्ताद के अंदर दिया जाता है। हथियारबंद फौज का हिस्सा बनने के लिए सबसे जरूरी चीज होती है शारीरिक प्रशिक्षण और दुरुस्ती। एक कैडेट की दिनचर्या को फुर्ती, सहन शक्ति और ताकत बढ़ाने के हिसाब से तैयार किया जाता है। इनका ट्रेनिंग कोर्स 3 साल तक चलता है और उसे पूरा कराने की जिम्मेदारी काबिल फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर्स के कंधों पर होती है। एनडीए में लीडरशिप सही मायनों में सिखाई जाती है। जूनियर टर्म्स में आते ही कोई हमारा नेतृत्व करता है, हमारे सीनियर हमें प्रेरणा देते हैं और जब हम सीनियर टर्म्स में पहुंचते हैं तब तक हम अपने सीनियर से काफ़ी कुछ सीख चुके होते हैं, जिससे कि हम उन बातों को अपने जूनियर्स को सिखा सकें और उन्हें बेहतर फौजी बना सकें। फौज में भी पहले आप लीडर्स के तहत काम करते हैं, उनके हर आदेश का पालन करते हैं और बाद में हम अपने जूनियर्स को लीड करते हैं। आखिरी साल के 5वें और 6ठे टर्म्स में बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को रैंक्स और टाइटल्स से सम्मानित किया जाता है, जिन्हें अपॉइंटमेंट्स कहा जाता है। इनमें से हर एक अपॉइंटमेंट को हायरार्की का पालन करना पड़ता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि आर्म्ड फोर्सेस में होता है। अपॉइंट किए गए कैडेट्स जूनियर कैडेट्स को निर्देश देते हैं, उन्हें प्रेरित करते हैं और सही रास्ता दिखाते हैं और एकेडमी को प्रभावशाली तरीके से चलाने में मदद करते हैं।